योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत चार बागियों की आम आदमी पार्टी से छुट्टी। आनंद कुमार, अजीत झा भी बाहर। पार्टी ने लिया देर रात को फैसला। हर एक के अगेंस्ट में एक से ज्यादा इश्यूज थे और जिसका उन्हें नोटिस दिया गया था, और उन सबको देखते हुए एक ऐसा नहीं था कि किसी एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर ही ये डिसीजन लिया गया। पार्टी से निकाले जाने पर बोले योगेंद्र यादव, कहा हमारे खिलाफ आरोप लगाने वाले ही जज बने, हमें न्याय की उम्मीद नहीं थी, लोकपाल को मजाक बनाया गया। अब आपको कोई आपके ही घर से घसीट के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा, और उसके बाद आप पे कैमरा लगा के पूछे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया, तो आपको कैसा महसूस होगा। आपसे निकाले गए प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, रात के अंधेरे में लिया गया फैसला इमरजेंसी की याद दिलाता है। आनंद कुमार ने कहा, आपको कोयले हीरे में फर्क नहीं पता, सचिवालय तक सिमटी आम आदमी पार्टी। आपने सभी बागियों को नोटिस भेजकर मांगा था जवाब, अजीत झा को छोड़ सभी ने सौंपे जवाब। आम आदमी पार्टी का लोगो डिजाइन करने वाले सुनील लाल ने फेसबुक पर लिखा, अब पार्टी आशीष, दिलीप और आशुतोष जैसे ठग लोगों की पार्टी बनकर रह गई। सुनील लाल ने तस्वीर के जरिए आम आदमी पार्टी को दी श्रद्धांजलि, लिखा योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को निकाले जाने के बाद पार्टी खत्म हो गई। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक, किसानों के मुद्दे पर राहुल को घेरने के लिए बनाएंगे बीजेपी सांसद। राहुल ने अपने भाषण पर खुद ही थपथपाई पीठ, आज तक से कहा भाषण तो अच्छा था लेकिन जवाब नहीं मिला। भाषण अच्छा था मगर जवाब नहीं मिले। और पहले नायडू जी ने जवाब देने की कोशिश की, फिर मंत्री जी ने देने की कोशिश की, मगर सच्चाई ये है कि जवाब दिया नहीं जा सकता। लोकसभा में राहुल के भाषण से उनकी मां सोनिया गांधी खुश, कहा राहुल ने सदन में अच्छा भाषण दिया, आगे भी किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। मोदी जी तो नाश करके रख देंगे अब किसानों को जी। ये तो मुझे समझ में नहीं आई, ये किसने बुद्धि थी किसानों की जमीन लेने के लिए, बुद्धि किसने दी। आज कालेधन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार को हलफनामा दाखिल कर अब तक की कार्रवाई के बारे में देनी होगी जानकारी। गुजरात के पोरबंदर के करीब पकड़ी गई संदिग्ध बोट, 8 पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। नौसेना कोस्ट गार्ड की कार्रवाई में पकड़ी गई बोट, घुसपैठियों के पास से हजारों करोड़ के ड्रग्स बरामद, कई सैटेलाइट फोन्स भी मिले। खुफिया एजेंसियों ने दी थी समंदर के रास्ते घुसपैठ की सूचना, शनिवार को नौसेना कोस्ट गार्ड ने शुरू किया था ऑपरेशन। मथुरा में किसानों को मिले मुआवजे के चेक बाउंस, खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने पर बैंक ने वापस लौटाया, प्रशासन ने भी चेक बाउंस होने की बात कबूल की। इलाहाबाद के फूलपुर में फसल बर्बाद होने से परेशान किसान ने किया आत्महत्या, फसल तबाह होने से बेटी की शादी की थी चिंता। सूरत में बलात्कार के शिकार नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या, 9वीं की छात्रा को पड़ोस के दुकानदार ने बनाया था हवस का शिकार। यूपी के शामली में नाबालिग से गैंगरेप के बाद घर वालों ने उसे जंजीरों में जकड़ा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से दहशत में परिवार। 4 दिन पहले शारीरिक रूप से बीमार लड़की को बदमाशों ने किया था अगवा, उसके बाद गैंगरेप, परिजनों की शिकायत के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, सड़क पार कर रहे दंपत्ति को अज्ञात वाहन ने कुचला, अस्पताल ले जाते इस समय दोनों ने तोड़ा दम। दिल्ली में फिर दिखा बदमाशों का आतंक, बाहरी दिल्ली के बवाना में बदमाशों ने अस्पताल में की फायरिंग, रंगदारी के लिए धमकाया। दिल्ली में खिड़की एक्सटेंशन में मामूली कहासुनी के बाद फायरिंग, स्थानीय लड़कों ने अफगानी मूल के युवक को मारी गोली। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में चोरी के आरोप में 5 दिनों तक हवालात में रहा 10 साल का बच्चा, वीडियो वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। महाराष्ट्र के सांगली में 13 साल के बच्चे पर मगरमच्छ ने किया हमला, बच्चे को खींचकर अपने साथ पानी में ले गया, दिन भर तलाशी के बाद भी नहीं मिला बच्चा।
सांगली महानगर पालिका की महासभा में नगर सचिव और पूर्व डिप्टी मेयर के बीच मारपीट, बिना टेंडर काम मंजूर करने पर हुआ हंगामा। आज से शुरू हो रही है चारधाम की यात्रा। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट, भक्तों में जमकर उत्साह। यमुनोत्री धाम रवाना होने से पहले बडकोट पहुंचने पर श्रद्धालुओं का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत, तैयारियों से खुश श्रद्धालु। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की एक और जीत, दिल्ली को उसी के घर में 6 विकेट से हराया, अब अंक तालिका में तीसरे नंबर पर शाहरुख की टीम। दिल्ली ने कोलकाता के सामने रखा था 147 का लक्ष्य, कोलकाता ने 2 ओवर रहते जीता मैच, उमेश यादव मैन ऑफ द मैच। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की भिड़ंत, अहमदाबाद में रात 8 बजे होगा मैच।